साल 1995 में रसिया के एक मिलिट्री अड्डे पर फाइटर जेट की ट्रेनिंग चल रही थी। शाम के वक्त एक फाइटर जेट रनवे से थोड़ा आगे जाकर कीचड़ में फंस गया। वहाँ रेस्क्यू टीम पहुंची। कुछ ही घंटे की मेहनत के बाद फाइटर जेट को निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम मेंबर्स वहां से दूर खड़े हो गए और पायलट ने फाइटर जेट को स्टार्ट किया और उसके इंजन के प्रेशर के कारण एक प्योत्र नामक एक वर्कर फाइटर जेट की ओर खींचा और उसके विंग्स में जाकर चिपक गया। रात का समय होने के कारण पायलट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्लेन ऊंचाई पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद पायलट को एहसास हुआ कि उसका प्लेन एक तरफ टिल्ट हो रहा है। पायलट ने एटीसी से बात किया, जहां उन्हें बताया गया कि प्लेन को गोल गोल घुमाओ, कुछ फंसा होगा तो निकल जाएगा। लेकिन पायलट ने जब बाहर हल्की चांद की रोशनी में ध्यान से देखा तो उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि वो वर्कर अभी भी वहां पर फंसा हुआ था और प्लेन हाई स्पीड में काफी ऊंचाई पर ठंडे वातावरण में उड़ रही थी। इसके बावजूद प्योत्र होश में था और अपना सिर हिला रहा था। पायलट ने तेजी से ही प्लेन को जल्दी से लैंड कराया। हालांकि इसमें प्योत्र को कोई खास चोट नहीं आई। इवन इंटरव्यू में प्योत्र ने कहा कि उसे डर से ज्यादा मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना था।